अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CCN न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के बेगम बाजार में कोरोना के तकरीबन 100 केसेस सामने आने के बाद 9 अप्रैल से बेगम बाजार में दुकानात को खोलने के औकात में तब्दीली की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात और मार्केट में रोजाना बढ़ते खरीदारों के हुजूम के पेश नजर ये फैसला किया गया है। लक्ष्मी नारायणा सदर हैदराबाद ग्रोसरी मर्चेंट एसोसिएशन और महेश कुमार अग्रवाल जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि जुमे से दुकानात सुबह 9 बजे खोली जाएंगी और शाम 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। बेगम बाजार, छतरी, मछली मार्केट और दीगर इलाकों में होलसेल किराने की दुकानात की जानिब से इस पर अमल किया जाएगा। जी, हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन बेगम बाजार, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे व्यापार के बिजनेस आवर्स में काफी कटौती की है। बिजनेस का समय सुबह 9 से शाम में 5 बजे तक का रखा गया, जिसका सभी व्यापारी भाई सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसका पालन करेंगे। सुरक्षा के हिसाब से हर एक दुकान पर सैनिटाइजर रहेगा, मास्क रहेगा, कर्मचारी को रहेगा, सेट को रहेगा। आने वाले ग्राहक से भी यही निवेदन है कि वो मास्क लगा के आए। अगर उसके पास नहीं है तो हमारे व्यापारी भाई उसको प्रोवाइड करेंगे, भैया मास्क लगाओ। तो सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम ये समय का सख्ती से पालन करेंगे और कोरोना को दूर भगाने में हम समझते हैं भाई बहुत कारगर साबित होगा। टोटल कितने महीना रहेगा, कितने दिन रहेगा? कितने दिन रहेगा अभी नहीं बोल सकते, मरीज बीमार है उसको कैसा बोलेंगे, कब मरेगा कब ठीक होगा भाई। अभी तो सिचुएशन जब तक नहीं सुधरेंगे, हालात कोरोना के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इससे पहले आप लोग बात करके कुछ टाइम करके देखो, इसके पहले करे थे वो हालात अलग थे, अभी के हालात अलग हैं। इसके पहले जो सिचुएशन थी 1 लाख से ऊपर इंडिया लेवल पे केस क्रॉस नहीं हुए, अभी डे बाय डे केस बढ़ते जा रहे हैं। कल 1,25,000 से अब वो केस आए, तो ये जो सेकंड लहर है ये तो पहले वाली से भी ज्यादा फास्ट चल रही है। तो समय को एक्सटेंड कर देंगे, अगर सुधार नहीं होता है तो फिलहाल यही चलेंगे। प्रेसिडेंट हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन कैलाश मंत्री, हमारी संस्था जो है वो समय समय पर व्यापारियों के, अपने व्यापार में दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के और आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा के हेतु किस प्रकार से कई निर्णय लिए गए हैं। पिछले बार भी हम लोग इसी प्रकार का निर्णय लिए थे कि सामने हमारे पास में फेस्टिवल का पूरा सीजन है, जैसे कि रमजान है, युगादि है, रामनवमी है, तो इस देखते हुए कि बेगम बाजार में ज्यादा भीड़ ना हो, हम लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन नहीं, हमने बिजनेस हावर्स को कम किया है। सुबह का हावर्स बढ़ा के शाम के टाके समय पर अपने प्रतिष्ठान बंद कर वो लोग, चाहे कस्टमर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, सब अपने अपने घरों पर समय पर जा सके, अपने फैमिली के साथ रह सके। क्योंकि जो हिसाब से कोरोना में बढ़ोतरी हो रही है, किराना मार्केट बेगम बाजार के अंदर भी कई केसेस पाए गए हैं व्यापारियों में, और वो लोग अभी आज के हिसाब में सब सेल्फ लॉकडाउन है। आगे ये केसेस नहीं बढ़ना है, इसलिए हम लोग ये एक निर्णय लिया है। सब व्यापारियों की सहमति से ये निर्णय लिया गया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं और भी हमारे जो नज़दीक में एसोसिएशन है, जैसे जनरल मर्चेंट है, दाल मर्चेंट है या स्टील मर्चेंट है, उन लोगों के अध्यक्षों से या पदाधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार के निर्णय आप भी अपने एसोसिएशन में बैठकर अपने व्यापारियों के साथ मिलकर ले, ताकि अपन आपस में एकजुट होकर मिलकर इस कोरोना को लड़ सके, कोरोना के साथ लड़ सके और